जब सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा, राम नाम ही बने सहाई, राम नाम ही बने सहाई, देते संत इशारा। सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा। हाथी को मन देने वाले राम है, देने वाले राम है। जब जब डोली भंवर में नैया खेने वाले राम है, खेने वाले राम है। सर्व जगत है नैया रूपी, सर्व जगत है नैया रूपी, राम है खेवनहारा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा। की माखी मनवा राम उड़ावन वाले हैं, पत्थर में जो जीव है भूखा राम खिलावन वाले हैं। राम ही राम बोलती बहती, राम ही दास राम का जाने रे, दास राम का जाने रे। राम नाम का अमृत क्या है मन का प्यासा जाने रे, मन का प्यासा जाने रे। चलो कमल सिंह राम रटेंगे, चलो कमल सिंह राम रटेंगे, आखिर यही सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम जो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु मंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप दर संग्राम जित खर दूषणम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम जाहि राचेउ मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो सुनि सिया सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम अमृत कलयुग में, राम नाम अमृत कलयुग में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। राम नाम जिस पे न लिखा हो, राम नाम जिस पे न लिखा हो, वो अंगूठी और नगीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। कैसे पार करे भव सागर, कैसे पार करे भव सागर, हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर। पी ले राम नाम का प्याला, पी ले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। जपने से तर दुनिया सारी, हाँ राम नाम की महिमा भारी, जपने से तर दुनिया सारी। जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसेना, फिर उस मान का सीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए, राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे बिगड़े सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए, राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, भूल गए उनके पाप तमाम परम पद अंत में पाए। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। वीर हनुमान जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, बसे श्री राम वो सीना हाड़ दिखलाए। कौशल्या मां ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या मां ध्यान लगाए, पुत्र रूप में राम को पाए। अवध में जन्म लिए श्री राम जो पावन धाम कहलाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुन के भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। अंत में दर्श दिए श्री राम रामायण उनसे लिखवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका, वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नल नील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नल नील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम वो पत्थर डूब ना पाए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण, जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। भगत के वश में हुए भगवान वो झूठे बेर भी खाए। भीलनी महातपस्विनी शबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया मां भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं एक थी शबरी भक्तन न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती चरणामृत का पान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि मां शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे ये कौन दिखात कुटीमा नारीते उत जाती है मूद भरी, छिन भी तरबाहर होत छिना सुखसो नहीं बैठत एक खरी, यही के तन में कछु पीर भई ये वियोगी न मान समाहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए, सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर, शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर, शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से कृपा कर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब माँ शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी, ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न छुप जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे के अखियाँ पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे के अखियाँ पंथ निहारे। जर जर हो गई काया फिर भी, जर जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समय समय के साथ बीतता गया। माँ शबरी अब बूढ़ी हो गई। माँ शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। माँ शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी, मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी माँ शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर उसके राजा पति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना, इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना, मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के स्वच्छ कुटिया को सजा के राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के, राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के, और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आ भी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी, बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज, ध्यान से सुनो, मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से मां शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर दौड़े दौड़े मां शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम, मैं तो 2 जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी, राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। राम संग लखन को आते, देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूँगा। वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है, और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं, मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो, और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करे क्या, वो झूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगीतकार लवली शर्मा। मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बुलाओ भक्त और भगवान की जय। रास्ता सालों साल बुहारा, जीवन बीत चला है सारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे जब तक श्वासा तब तक आशा, कहती दुनिया सारी। जब तक श्वासा तब तक आशा, कहती दुनिया सारी। प्रेम बावरी दरस दीवानी, तकती राह तिहारी। कर दो मेरा पार उतारा, कर दो मेरा पार उतारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम ही राम पुकारे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम ही राम पुकारे। रात ढले जब राम की माला, लेते चांद सितारे। राम के बिना नहीं है गुजारा, राम के बिना नहीं है गुजारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे तमन्ना कबहू तुम्हें निहारे। बूढ़े नैना एक तमन्ना कबहू तुम्हें निहारे। राम ही राम गुजरने वाली, कहती सभी बहारे। जपता अंबर में ध्रुव तारा, जपता अंबर में ध्रुव तारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। मैं क्या जानू काहे इतनी लगी हुई है देरी, मैं क्या जानू काहे इतनी लगी हुई है देरी। मन का कमल खिला दो रघुवर, ले लो सुध अब मेरी, मन का कमल खिला दो रघुवर, ले लो सुध अब मेरी। कर दो कुटिया में उजियारा, कर दो कुटिया में उजियारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम। एक अवसर हमें दीजिए, एक अवसर हमें दीजिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे। हमें कह दो, हमें कह दो कि लो पीजिए, हमें कह दो कि लो पीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर दया कीजिये, हे रघुवर दया भाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं। प्रेम धागे से, प्रेम धागे से अब सीजिए, प्रेम धागे से अब सीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए। डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल। एक बार सही रीझिए, एक बार सही रीझिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए। श्री राम से कह देना कह देना एक बात अकेले में। रटता हूँ राम रटना दिन रात अकेले में। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। लखन तो बड़ भागी चरणों में मुझे मौत नहीं आती। दुनिया के अंधेरे में श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। चीज की कमी है तुम साथ हो हाथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम ही भगवन मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम ही भगवन मेरा नाम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, अजी पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 बाद में फिर बाद में फिर किधर जाएगा, बाद में फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। झोली फैला उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से गुजर जाएगा, जब इधर से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा।